गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। आप सभी प्यारे स्टूडेंट का मैं सत्येंद्र सर बैंकॉन्स टेक्निकल एकेडमी ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। मेरी कोशिश होती है कि आपके लिए कंप्यूटर में बेस्ट से बेस्ट क्वेश्चंस कराए जाएं, और अभी तो फ़िलहाल हम आपके प्रीवियस ईयर के पेपर सॉल्व करा रहे हैं। और आज बहुत खुशी है कि आपका जो 2019 TG2 का पेपर था वो आज सॉल्व कराने का लास्ट डे है, क्योंकि 24 मार्च शिफ्ट 2 का आज हम लोग है ना डे 8 सॉल्व करेंगे, जिसमें 26 से 50 क्वेश्चन पूरा कर लेंगे। इसका प्लेलिस्ट आपको हमारे चैनल पर मिल जाएगा, जिस पे 2019 TG2 लास्ट ईयर लिखा होगा, आप उसको है ना पढ़ लीजिए। और मेरा ये आपसे कहना होगा कि देखो, जो हमने आपको क्वेश्चंस कराए हैं, चाहे वो 18 के पेपर का हो, चाहे 19 के पेपर का हो, चाहे वो 21 के पेपर का हो, इसमें टोटल आपके 8-4-12 पेपर मैंने सॉल्व करा दिया, सबके प्लेलिस्ट हमने बना दिए हैं। तो जो स्टूडेंट आज पहली बार चैनल पर होंगे वो लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करेंगे और प्रीवियस वीडियो को जरूर देखेंगे, और अपना कमेंट करके आप बताएंगे कि क्लासेस कैसे लगी आपको, आपको सेशन कैसा लगा। तो चलिए बिना देर किए हम लोग आगे बढ़ेंगे। एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन है जो मैं आपको देना चाहूँगा। देखिए यहाँ पर लिखा गया 1 जुलाई है ना, आज 1 जुलाई है। आज हम लोगों ने एक ऑनलाइन बैच यहाँ स्टार्ट किया है जिसका नाम है सफलता बैच, जो शाम को 7 बजे चालू होगा, और ये आपको 799 रुपये में हमारे है ना हमारे जो ऐप होगा बैंकॉन्स टेक्निकल एकेडमी, आप प्ले स्टोर में इसको लिखेंगे, साइनअप करेंगे, और जो थंबनेल आपको दिख रहा है इसी थंबनेल के अकॉर्डिंग वहाँ लिखा होगा सफलता बैच, ऊपर लिखा होगा यूपी पिशल TG2 SSO ऑनलाइन बैच। ये 1 जुलाई से चालू होगा, 7 बजे इसकी टाइमिंग होगी, लाइव बैच होगा। तो जो भी बच्चे हमारे इंटरेस्ट होंगे, जिन्हें कंप्यूटर के लिए प्रॉब्लम हो रहा होगा एग्जामिनेशन को लेकर, या जो कंप्यूटर में थोड़े वीक खुद को महसूस कर रहे होंगे, वो बैच जरूर ज्वाइन करें, इम्प्रूवमेंट खुद का करें, क्योंकि पॉसिबिलिटी है कि आपकी वैकेंसी आने वाली है। तो अभी से तैयारी में लग जाइए। बाकी कोई भी कॉन्टैक्ट डिटेल होता है तो आप हमारे नंबर पर बात करेंगे। चलिए इसी क्रम में हम आगे बढ़ेंगे। सबसे पहले देखिए यहाँ लिखा गया है कि भाई बैंकॉन्स टेक्निकल एकेडमी ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे आपको कोई भी वीडियो यहाँ से कोई भी इन्फॉर्मेशन आपको भेजी जाए तो आप प्राप्त कर पाएँ, उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। आइए हम लोग शुरू करेंगे 24 मार्च का सेकेंड शिफ्ट का डे 2, दैट्स मीन आज 26 से 50 क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 26 देखिए क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प निम्नलिखित तत्वों की सत्यता के का सबसे अच्छा वर्णन करता है, मतलब बताना है कि कौन सा सत्य है या गलत है, या आपको बताना है। पहला देखो स्टेटमेंट क्या कह रहा है, माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट स्लाइड ओरिएंटेशन पोर्ट्रेट के रूप में सेट नहीं किया जा सकता है। ऐसा तो है नहीं, सेट कर सकते हैं, पोर्ट्रेट भी कर सकते हैं, लैंडस्केप भी कर सकते हैं, तो ये तो गलत लग रहा मुझे, कर सकते हो। पृष्ठ संख्या, जो पृष्ठ संख्या पेज नंबर होता है, माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन स्लाइड के ऊपरी भाग में डाले जा सकते हैं, दैट्स में लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, सही है। तो पहला गलत दूसरा सही, पहला गलत दूसरा सही, ए बी वाला ऑप्शन मुझे मिल रहा है, तो ए बी वाला ऑप्शन इज राइट होगा। चलिए इसी क्रम में हम लोग क्वेश्चन नंबर 27 में देखेंगे, माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में स्लाइड का डिफॉल्ट ओरिएंटेशन क्या होता है। तो देखो यहाँ लिखा गया ना पावर पॉइंट की बात कर रहा है, और इसका देखो डिफॉल्ट, डिफॉल्ट का मतलब होता है स्वतः, जो स्वतः उसका है, तो ओरिएंटेशन इसका कौन सा होता है, तो हम बोलेंगे भैया लैंडस्केप होता है। क्यों? क्योंकि लैंडस्केप को हम लोग क्या कहते हैं, इसको हम लोग कहते हैं हॉरिजेंटल होता है, बोलो क्या होता है, हॉरिजेंटल होता है। तो पावर पॉइंट के लिए है ना, पावर पॉइंट में लैंडस्केप होता है, और ये हमें ध्यान रखना है। 28 नंबर देखो, निम्नलिखित में कौन CPU के प्रमुख घटकों को दर्शाता है। CPU मैं बार बार पढ़ाया हूँ कि जो CPU होता है उसमें 3 कंटेंट होते हैं, मिला लेना, ALU होता है, CU होता है, और MU होता है। अब जरा मुझे बताओ कि तीनों कहाँ मिल रहे हैं। तो MU को हम लोग रजिस्टर कहते हैं, मान लो MU ना मिले तो इसे हम लोग रजिस्टर कहते हैं, रजिस्टर मिल जाएगा, तो आप देखो C वाला ऑप्शन है ना, ALU CU रजिस्टर, तो दैट्स मीन 28 का जो राइट आंसर होगा वो C होगा। ज़्यादा एक्सप्लेनेशन नहीं कर सकते हैं, कारण है क्योंकि आप जानते हो वीडियो बड़ा हो जाएगा, मैं चाहता हूँ वीडियो छोटा हो, इफेक्टिव हो, आप बार बार देख पाएँ और अपनी प्रिपरेशन अच्छी कर पाएँ। चलिए इसी क्रम में हम लोग चलेंगे 29, देखो निम्नलिखित में से किस नेटवर्क टोपोलॉजी में प्रत्येक कंप्यूटर और नेटवर्क डिवाइस एक ही केबल से जुड़े होते हैं। टोपोलॉजी, टोपोलॉजी को हम लोग कहते हैं स्ट्रक्चर ऑफ अ नेटवर्क, नेटवर्क की संरचना। तो क्या बस टोपोलॉजी होगा, रिंग टोपोलॉजी होगा, स्टार टोपोलॉजी होगा, या मेस टोपोलॉजी होगा, सबका स्ट्रक्चर पता होना चाहिए। देखो यहाँ एक ही केबल, देखो ये ऐसे केबल होगा और इस पर कंप्यूटर देखो जुड़े होंगे, एक ही केबल पे कंप्यूटर जुड़े होंगे, इसे हम लोग कहते हैं बस टोपोलॉजी। बोलो क्या बोलते हैं, बस टोपोलॉजी, ए इज द राइट आंसर, ध्यान रखिएगा, आप मेरे साथ कमेंट भी करते रहिएगा।
निम्नलिखित में किस सॉफ्टवेयर का उपयोग डाटा को पंक्ति और स्तंभ के ग्रिड में व्यवस्थित करने के लिए किया था? किस सॉफ्टवेयर, कौन सा सॉफ्टवेयर है भाई, जिस सॉफ्टवेयर में देखो हम क्या करते हैं पंक्ति और स्तंभ मतलब रो और कॉलम, देखो रो और कॉलम में हम क्या करते हैं डाटा को व्यवस्थित करते हैं, वो कौन सा सॉफ्टवेयर होगा? क्या मल्टीमीडिया सॉफ्टवेयर हो गया, वर्ड प्रोसेसर होगा, स्प्रेडशीट होगा, प्रेजेंटेशन होगा? तो हमें पता होना चाहिए कि एक्सेल की बात करो और एक्सेल हमेशा स्प्रेडशीट होता है। इज अ सी राइट आंसर, इज अ सी राइट आंसर, क्लियर है? चलो 31 नंबर देखो, जब किसी माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल एप्लीकेशन को खोला जाता है, कोई एक्सेल का एप्लीकेशन खोल लो, है ना, खुल गया तो दिखाई देना और डिफॉल्ट स्क्रीन कहा जाता है, तो कौन है जो हमें दिखेगा और स्क्रीन, तो जब भी देखो खुलेगा तो हमें वर्कशीट मिलेगा, है ना, यहाँ हमेशा वी हैव टू फाइंड वर्कशीट, हम वह वर्कशीट पाते हैं क्योंकि वर्कशीट के अंदर ही आपके सेल होते हैं, वर्कशीट ही कहा जाता है जिसके अंदर आपके सेल होते हैं। तो द राइट आंसर इज अ डी, द राइट आंसर इज अ डी, यहाँ पे डी राइट आंसर है। 32 नंबर देखो, निम्नलिखित में कौन सा एक सिस्टम सॉफ्टवेयर नहीं, सिस्टम सॉफ्टवेयर का मतलब समझते हो जिसे हम OS कहते हैं, सिस्टम सॉफ्टवेयर जो होता है वो OS होता है। अब देखो OS ध्यान रखना, यूनिक्स एक OS है, विंडोज एक OS है, डॉस एक OS है, तो क्या सही आंसर होगा? कह रहा सिस्टम सॉफ्टवेयर नहीं है, कैस्पर स्पाई, कैस्पर स्पाई क्या है, एंटीवायरस होता है, और एंटीवायरस जो होते हैं वो एप्लीकेशन सॉरी वो यूटिलिटी सॉफ्टवेयर होते हैं। बोलो कैसे सॉफ्टवेयर होते हैं, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर होते हैं, मैंने बताया पढ़ाया कई बार, मैंने समझाया है, कोशिश होगी कि आप इसको रिवाइज करिए, बार बार देखिए वीडियो को। माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट 2016 में निम्नलिखित में कौन सा विकल्प एक वैध मेनू आइटम नहीं है, इसका मतलब मेनू कमांड याद रखो यार। अब मेनू कमांड कैसे याद रखोगे मैं बता दूं, 16 में जो है 10 मेनू कमांड होते हैं, मैं एक बार पढ़ दे रहा हूं आप सुन लीजिएगा, जैसे फाइल होता है, होम होता है, इंसर्ट होता है, लेआउट होता है, डिज़ाइन होता है ना, स्लाइड शो होता है, एनिमेशन होता है, रिव्यू होता है, व्यू होता है, हेल्प होता है, ऐसे 10 होते हैं। पर देखो टूल नहीं होता, ये टूल नहीं होता, तो ये बी इज अ रॉन्ग, है ना, ये नहीं होता, दैट मीन्स बी इज अ राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, यहाँ पे बी, क्योंकि वो आइटम नहीं है पूछा है। चलिए मेरे साथ आप कमेंट करते रहिएगा। एडवांस टेक्नोलॉजी सच एस, हम एडवांस टेक्नोलॉजी की बात करें, सच एस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, क्वांटम कंप्यूटर, ETC वर मीन फॉर, इनको कहाँ से लाया गया, किस जनरेशन से इनको लाया गया, तो क्या बताना, ऑप्शन कमेंट करना, फोर्थ सेकेंड फिफ्थ थर्ड, तो हमें पता होना चाहिए फिफ्थ जनरेशन, है ना, AI फिफ्थ जनरेशन का कॉन्सेप्ट है, और फिफ्थ जनरेशन आया है कब भैया, 1989 से, है ना, 1989 से, राइट नाउ द जनरेशन इज करेंटली रनिंग इज फिफ्थ, है ना, इस समय भी फिफ्थ जनरेशन ही चल रहा है। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल वर्कशीट के सक्रिय सेल में डाटा को प्रदर्शित करना या एडिट करने के लिए हम किसका उपयोग करते हैं, तो ध्यान रखना जब भी देखो हम सक्रिय सेल में जाते हैं और वहाँ पे हम क्या कर रहे होते हैं, देखो वहाँ पर हम डाटा को लिख रहे होते हैं, तो सक्रिय सेल हमेशा देखो कहाँ से यूज किया जाता है, फार्मूला बार से, बोलो कहाँ से, फार्मूला बार, जहाँ से हम फार्मूला अप्लाई करते हैं, अ प्लेस वेयर वी अप्लाई द फार्मूला इन एक्सेल, जहाँ हम फार्मूला अप्लाई करते हैं इज नोन एज फार्मूला बार, क्लियर हुआ, तो सी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। आगे बढ़ेंगे, 36 नंबर देखो, ईमेल सेवा के संदर्भ में, संबंध में, संदर्भ में POP का क्या अर्थ है, POP इज अ प्रोटोकॉल, POP एक प्रोटोकॉल है, मैं जानना चाहूंगा व्हाट द फुल फॉर्म ऑफ अ POP, एज यू नो आप जानते होंगे, पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल, पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल, अब एक बार इसमें मिला लेना, है ना, पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल का मतलब बी इज अ राइट आंसर, बी इज अ राइट आंसर, क्लियर हुआ। आगे बढ़ते हैं, 37 नंबर देखो, निब्बल से निम्नलिखित बाइनरी अनुक्रम का आकार कितना है, देखो ये बाइनरी लिखा गया है तो इसमें निब्बल बताओ, तो हमें पता होना चाहिए सर एक निब्बल बराबर, एक निब्बल बराबर, वी हैव टू नो, वी हैव टू नो, हमें पता होना चाहिए एक निब्बल बराबर 4 बिट, दैट्स मीन एक निब्बल बराबर 4 बिट, देन वी हैव टू काउंट, हमें गिनना चाहिए कि इसमें कितने है ना 4 बिट हैं, तो चलो पहले इसको बिट गिन लो, तो आपने कहा 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, द ऑल इज अ 16 बिट, ये 16 बिट का है, तो देन 4/16, दैट्स मीन यहाँ पे हमारा जो आंसर होगा, जो हमारा यहाँ आंसर होगा वो आपका कितना होगा, तो 16 बिट है, हम जानते हैं 16/4, दैट्स मीन 4, इसमें कितने निब्बल होंगे 4, तो बी इज अ राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, बी यहाँ पे राइट आंसर बन जाएगा। आगे बढ़ते हैं, चलिए गुड, कमेंट करते चलिएगा, है ना, कमेंट आपको यहाँ करना है। कंप्यूटर वर्ग विशेष की शब्दावली में, कंप्यूटर वर्ग विशेष की शब्दावली में, है ना, जरा बताना GUI का पूर्ण रूप क्या है, ये तो बहुत सिंपल है भाई, GUI, ऑप्शन देखो ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, ग्राफिकल यूजर इंटरकनेक्शन, गोफर यूजर इंटरफेस, ग्राफिकल यूनिक इंटरफेस, तो वी हैव टू नो, हमें पता होना चाहिए,
जी वही को हम कहते हैं ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, है ना, इज द ए, इज अ दैट्स मीन ए इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ओके चलिए आगे बढ़ते हैं। 39, वर्ल्ड वाइड वेब को व्यवस्थित तरीके से ब्राउज करने, जो हम इंटरनेट चलाते हैं उसको व्यवस्थित तरीके से ब्राउज करें, है ना, मतलब हमारे साथ वो काम करे। स्थानीय भंडार में अनुक्रमित करने, जो स्टोरेज सर्वर होगा वहाँ पे उसको ला के रखे। और खोज इंजन एक प्रोग्राम या स्वचालित स्क्रिप्ट का उपयोग करता है, दैट्स मीन सॉफ्टवेयर। जो सर्च इंजन होता है क्रॉलर, इसे हम लोग बोलते हैं क्रॉलर, देखो स्पेलिंग ऐसे लिखा है क्रॉलर, क्रॉलर जो क्रॉलर होता है एक सॉफ्टवेयर होता है जिस पर सर्च इंजन काम करते हैं। सर्च इंजन इनके माध्यम से क्या करते हैं, जो भी हम चीज़ों को मांगते हैं या जो भी हम चीज़ों को ढूंढते हैं वो उसको अनुक्रमित करता है, दैट्स मीन वहाँ लाता है, लगाता है, भेजता ले जाता है, वो क्रॉलर कहलाता है। क्लियर, तो इस क्वेश्चन को जरा याद कर लेना भाई। निम्नलिखित में कौन सा एंटीवायरस सॉफ्टवेयर है, एंटीवायरस, एंटीवायरस का मतलब हमें पता होना चाहिए जो वायरस से हमें सुरक्षा देता है, तो नहीं है ना पूछा गया, तो एक नहीं होगा। देखो ये सीधा आंसर, देखो फायरफॉक्स, फायरफॉक्स क्यों नहीं होगा, क्योंकि ब्राउजर है, है ना। चलो कमेंट करके मुझे सब लोग बताइएगा, जो वीडियो देख रहे हैं कमेंट कर बताइएगा कि इसका फायरफॉक्स किस कंपनी से है, दैट्स मीन फायरफॉक्स का पूरा नाम क्या है, ये सभी लोग कमेंट करके बताएंगे मुझे। चलिए आगे बढ़ते हैं। 41 नंबर, किसी संख्या के लिए निम्नलिखित में कौन सा प्रणाली अपने प्रतिनिधि के सबसे बड़ी संख्या अंकों का प्रयोग करेगा, इसका मतलब जब हम किसी संख्या को रिप्रेजेंट करेंगे तो कौन सी प्रणाली है जो उसे बड़े में लिखेगा। ऑक्टल, डेसिमल, हेक्साडेसिमल, बाइनरी, तो बड़े में कौन लिखता है, तो हमेशा बाइनरी, क्यों, क्योंकि जैसे मैंने पूछा 10 की बाइनरी बताओ, तो 10 की बाइनरी कैसे लिखा जाएगा, 1010, देखो 10 को बड़े फॉर्म में लिखा गया, तो ये बाइनरी ज़्यादा है ना, बाइनरी बड़े में रिप्रेजेंट करता है, ये हमें पता होना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं भैया। 42 नंबर, निम्नलिखित में कौन सा GUI घटक उपयोगकर्ता को एक बार में किसी एक विकल्प का चयन करने की अनुमति देता है, क्या टेक्स्ट बॉक्स होगा, लिस्ट बॉक्स होगा, रेडियो बटन होगा, चेक बॉक्स होगा, तो आपको पता होना चाहिए भाई, जब हम पेपर देते हैं, जरा बताओ जब पेपर देते हो तो हमारे क्वेश्चन के चार ऑप्शन होते हैं, पर चारों ऑप्शंस में से आप एक ही ऑप्शन को ले पाते हो, क्यों, क्योंकि उसके सामने रेडियो बटन होता है, बोलो कौन सा बटन होता है, रेडियो, तो सी इज द राइट आंसर। चलिए 43 नंबर, देखो दिए गए विकल्प में से कौन सा विकल्प बाकी सबसे अलग है, अलग पहचानना है, तो आप लोग एक बार कमेंट करना मेरे साथ, इंकजेट प्रिंटर, थर्मल प्रिंटर, लेजर प्रिंटर, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, कौन सा विकल्प अलग है। इंकजेट, थर्मल, लेजर, देखो ये सब होते हैं नॉन इम्पैक्ट, यहाँ तक होता है नॉन इम्पैक्ट, ये आवाज़ नहीं करते हैं, पर अगर डॉट मैट्रिक्स की बात करें तो ये इम्पैक्ट प्रिंटर होता है, इम्पैक्ट का मतलब इट प्रोड्यूस नॉइस, है ना, एट द टाइम ऑफ प्रिंटिंग, जब प्रिंट करोगे तो आवाज़ करेगा, तो डी वाला अलग होगा क्योंकि अलग है, कैटेगरी अलग है इसकी। चलिए बहुत अच्छा। 44 देखो, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड तालिका में एक क्रम में एक सेल से दूसरे सेल में आगे बढ़ने के लिए किस कुंजी का प्रयोग करते हैं, टैब, स्पेस बार, एंटर या शिफ्ट। तो ध्यान रखना, ये कहना चाहता है कि मान लो हम एक एक्सेल में है और इस बॉक्स से यहाँ जाना चाहते हैं तो हम किस कुंजी का प्रयोग करेंगे, दैट्स मीन ए, ए का मतलब टैब इज द राइट आंसर। क्लियर हो गया। चलिए 45 नंबर देखो, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल वर्कशीट का डिफॉल्ट ओरिएंटेशन क्या होता है, तो मुझे पता होना चाहिए हम लोगों को कि देखो एक्सेल की बात कर रहा है तो जो एक्सेल होता है इसका डिफॉल्ट ओरिएंटेशन पोर्ट्रेट होता है, बोलो क्या होता है, पोर्ट्रेट, ए इज द राइट आंसर। क्लियर हो गया। आगे बढ़ेंगे। 46 नंबर देखो, गजब का सवाल है, 46 नंबर तो बेहतरीन सवाल है, इसका ऑप्शन आप लोग बताएंगे, जब निम्नलिखित माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल फंक्शन को सेल में प्रविष्ट किया जाएगा तो परिणाम क्या होगा, मतलब एक फार्मूला दिया गया उसका रिजल्ट पूछ रहा है, तो देखो फार्मूला कह रहा एवरेज निकालो, क्या निकालो, एवरेज निकालो, पर कंडीशन देखो क्या दिया, 12 ग्रेटर देन 16, तो आपको पता होना चाहिए कि जो 12 16 है क्या 12 16 से बड़ा है, नो, इसका मतलब जीरो, तो ये ऐसे हो गया 309। अब आपको पता है एवरेज क्या होता है, एवरेज का मतलब होता है सारे संख्याओं का योग बटे पदों की संख्या, तो 9 3 12, 3 पद हैं, दैट्स मीन 3 4 12, 4, हमारा आंसर हो गया 4, बी इज द राइट आंसर, बी इज द राइट आंसर। क्लियर हुआ। चलो आगे बढ़ेंगे भैया। 47 नंबर देखो, निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है, प्राइमरी मेमोरी का एक्सेस टाइम सेकेंडरी मेमोरी एक्सेस टाइम से ज्यादा होता है, समान स्टोरेज क्षमता के लिए डी रैम एस रैम की तुलना में सस्ती होती है, तो डी रैम बिल्कुल सही बात है और वो भी सही बात है, इसका मतलब दोनों सही है, दोनों कथन सही है, डी दोनों सही होंगे, है ना, ये भी सत्य है और ये भी सत्य है।
48 नंबर देखो, विच इज कमांड ऑफ पावर पॉइंट। जब हम पावर पॉइंट को ओपन करना चाहते हैं तो किस कमांड को लिखेंगे, तो पावर पॉइंट को हम लिखते हैं पावर पीएनटी। बोलो क्या लिखते हैं, पावर पीएनटी लिखते हैं। दैट्स मीन पावर पीएनटी इज अ सी, सी इज द राइट आंसर। 49 नंबर देखो, विंडोज के लिए गूगल क्रोम वेब ब्राउजर, वेब ब्राउजर होता है तो यहाँ देखिए ऐसे प्लस बना होता है, तो हम टैब नया है ना, बोल रहा विंडोज के लिए गूगल क्रोम ब्राउजर में एक नया टैब खोलने का शॉर्टकट की कंट्रोल प्लस टी, याद कर लो कंट्रोल प्लस टी होगा, शॉर्टकट की तो रटना पड़ेगा। निम्नलिखित में कौन सा विकल्प बूटिंग प्रक्रिया का सबसे अच्छा वर्णन करता है, तो देखो बूटिंग जब कंप्यूटर हम चालू करते हैं तो उस प्रक्रिया को हम बूटिंग कहते हैं। बूटिंग इज अ प्रोसेस टू स्टार्ट कंप्यूटर, है ना, व्हेन यू पावर ऑन देन दिस प्रोसेस इज बीइंग एग्जीक्यूटेड, ये प्रोसेस चालू हो जाता है। ऑपरेटिंग सिस्टम को हार्ड डिस्क से मुख्य मेमोरी में लाना, कंप्यूटर को उपयोगकर्ताओं के प्रयोग को निष्पादित करने के लिए तैयार करना, तो ये वाला ऑप्शन सही है, ये वाला ऑप्शन सही मुझे लग रहा है, तो इसका आंसर ये होगा। तो चलिए आज हम लोगों ने 2019 के चारों पेपर को सॉल्व कर लिया है। इसका प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगा, अभी जब एग्जाम की डेट आएगी, कोई भर्ती आपकी रिलीज होगी तो आप इसे रिवाइज करके खुद को बेहतर कर सकते हैं। और जो बच्चे आज इस वीडियो पर नए होंगे वो ज़रूर आप चैनल सब्सक्राइब करिएगा, इसको लोगों तक शेयर करिए, आपका थोड़ा एफर्ट हमें चाहिए। और साथ में प्लेलिस्ट में जितने भी आपके प्रीवियस पेपर हैं मैंने सॉल्व करा दिए हैं। अब नेक्स्ट सेशन से जो अगला सेशन हमारा जाएगा उस पर हम लोग अपने बैंकॉन्स की MCQ बुक को सॉल्व करेंगे, तो जो कंप्यूटर की बुक मेरे पास है यहाँ से जो हम आपको प्रोवाइड करते हैं उसको हम लोग सॉल्व करेंगे नेक्स्ट डे से। तो चलिए, थैंक यू फॉर वॉचिंग, और अपना कमेंट करके आप बताइएगा कि आपको क्लास कैसे लगी।